ओशन जैसी वाटर बॉडीज धरती का 71% सरफेस कवर करती हैं और 97% अर्थ का पानी ओशन में ही है। और क्या आप जानते हैं कि करीब 352 क्वांटिलियन गैलोंस का ये पानी ओशन की फॉर्म में धरती पर मौजूद है, जिस पर मिलियंस ऑफ लोगों का खाना और रोजगार डिपेंड करता है और कैंसर जैसी कई बीमारियों के लिए फार्मेसी भी डिपेंड करती है। लेकिन क्या होगा अगर ओशन का सारा पानी गायब हो जाए? तो बिना ओशन के कैसा होगा सब कुछ? क्या बिना ओशन के हम इंसान जिंदा रह सकते हैं? क्या धरती बिना ओशन के रह सकती है? अगर इवेपोरेशन से ये सारा पानी डिसअपीयर होता है तो इसे पूरी तरह डिसअपीयर होने में बिलियंस ऑफ इयर्स लग जाएंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि एलियंस हमारी धरती से पानी लेके मार्स पर जाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने धरती पर एडवांस इनविजिबल मशीन बॉम्ब से अटैक कर दिया है और इन इनविजिबल बॉम्ब को धरती के ओशंस में फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे सारा पानी ये मशीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। एक घंटे बाद अब सारे ओशंस का पानी धीरे धीरे उस छोटी सी मशीन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन लोग इस बात से बेखबर हैं और अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। वही पानी में शिप्स एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही हैं, लेकिन पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 6 घंटे बाद अब उस इनविजिबल मशीन बॉम्ब को 6 घंटे हो चुके हैं और काफी पानी उस मशीन में जा चुका है। शिप में बैठे लोगों ने आसपास नोटिस करना स्टार्ट किया और उन्होंने देखा कि मछलियाँ कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हैं। उनमें उथल पुथल मच गई है। उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उनकी शिप धीरे धीरे नीचे जा रही है। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और लोगों में घबराहट पैदा हो रही है, क्योंकि मछलियाँ इतनी बेचैन हो रही हैं। तो शिप में बैठे लोगों को लग रहा है कि शायद ये आने वाले स्टॉर्म या सुनामी का कोई सिग्नल हो सकता है, लेकिन असली वजह से बेखबर वह जल्द से जल्द किनारे तक पहुँचने में लगे हैं। अगले दिन अब उन इनविजिबल मशीन बॉम्ब्स को 1 दिन हो चुका है। अब पानी तेजी से डिसअपीयर हो रहा है। वेनिस और नीदरलैंड्स जैसी सिटीज के वाटर कैनाल्स में भी पानी कम होता जा रहा है और अब पानी का लेवल कम होता साफ नजर आ रहा है। ये देख सभी देशों में घबराहट का माहौल है और ऑफिशियल्स अर्जेंट मीटिंग करके इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में सभी कोस्टल कंट्रीज इस बात से परेशान होकर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वे बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी आखिर कहां गायब हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ कोस्टल एरियाज में ही हो रहा है। इन ओशंस और सी से दूर लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है और वहाँ अभी भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 1 हफ्ते बाद अब 1 हफ्ता हो चुका है, ओशंस और सीज का सारा पानी गायब हो चुका है और वहाँ जमीन दिखने लग गई है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में लैंड ब्रिज भी दिखने लग गया है। ओशंस के सारे जीव जंतु बिना पानी के चलते मर चुके हैं और अब ओशंस और सीज एक बड़ी खाई जैसी दिख रही है। जहाँ पहले पानी हुआ करता था वह अब खाली सुनसान जगह बनकर रह गई है, जो कि देखने में एक बहुत ही डरावना मंजर है। 1 महीने बाद ओशंस का पानी खत्म हुए अब 1 महीना हो चुका है और अब ओशंस ना होने की वजह से अब धरती पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि धरती पर 50-80% ऑक्सीजन ओशन में मौजूद फाइटोप्लैंकटन के फोटोसिंथेसिस से ही आता है। अब ओशन ना होने की वजह से धरती पर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे गिर रहा है और ओशन के मृत जीव जंतु से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम के पैटर्न में भी चेंजेस हो रहे हैं। अब कहीं बारिश हो रही है तो कहीं सर्दी पड़ रही है, क्योंकि ओशंस हमारे वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन अब वो साइकिल ब्रेक हो चुका है, इसलिए मौसम का पैटर्न अब बिल्कुल बदल चुका है। और ये सारे चेंजेस ना सिर्फ कोस्टल कंट्रीज में हो रहे हैं, बल्कि ये चेंजेस ग्लोबली देखे जा रहे हैं। 6 महीने बाद अब सिर्फ कुछ रिवर्स और लेक का पानी ही बचा है, जिससे इंसान जीवित रह रहे हैं, लेकिन पानी की कमी चलते अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पंप भी काम करना बंद कर रहे हैं और बिजली भी अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। वहीं दूसरी ओर अब पेड़ पौधे भी बिना बारिश और नॉन सुटेबल एटमॉस्फेयर की वजह से धीरे धीरे डेड हो रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से 90% एक्स्ट्रा हीट को ओशंस एब्जॉर्ब कर लेते थे बिना किसी बड़े टेम्परेचर चेंज के, लेकिन अब ओशंस ना होने की वजह से एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं और ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा है। वहीं कई देशों के साइंटिस्ट अब लैब में बची ऑक्सीजन को हाई एंड लोगों को पहुंचा रहे हैं और बाकी बचे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में ही है और बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए ये सब काफी नहीं है। 1 साल बाद बिना ओशंस और सी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब ओशन की वजह से और टेम्परेचर रेगुलेट ना हो पाने की वजह से अब टेम्परेचर में गिरावट आती जा रही है। बादल भी वैनिश हो गए हैं। अब धरती पर सारी जगह ठंड बढ़ती जा रही है। इक्वेटर के पास की कंट्रीज में भी अब ठंड हो रही है। वहीं नॉर्थ और साउथ पोल और भी ज्यादा ठंडे होते जा रहे हैं। 10 साल बाद अब धरती पर ना ही पानी बचा है, ना ही पौधे और ना ही एटमॉस्फेयर जो गर्मी को रेगुलेट कर सके। अब पृथ्वी एक बंजर रेगिस्तान बन चुकी है और ऐसे सिचुएशन में अब धरती पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब पृथ्वी एक डेड प्लैनेट बन चुकी है। ये सब कुछ कई बिलियन साल तक अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है ये कहना गलत होगा,
क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि वीनस भी एक टाइम पर अर्थ जैसा ही था, उस पर भी ओशंस मौजूद थे, लेकिन कहते हैं कि प्लैनेट पर गर्मी की वजह से सारा पानी इवेपोरेट हो गया और अब वहाँ पर बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। रिसर्चर्स का कहना है कि सन की ब्राइटनेस आज से 1 बिलियन साल बाद 10% ज्यादा बढ़ जाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ बॉइल करने लग जाएगी, जिससे पृथ्वी का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और ये बिल्कुल वीनस की तरह बन जाएगी। धरती पर पेड़ पौधों से लेके ओशंस, स्नो से लेके वॉल्केनो, ये सब अर्थ के रहने लायक एटमॉस्फेयर को बनाकर रखते हैं, जिससे लाइफ पॉसिबल हुई है। किसी एक फैक्टर के मिस होने से पूरी इकोसिस्टम और लाइफ साइकिल पर इसका कितना असर पड़ता है ये हमने देख लिया है। इसलिए हमें इस प्लैनेट के हर एक रिसोर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसका सही यूजेज करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे बिना रह सकती हैं, लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स।